हेलो फ्रेंड, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार्क की श्रद्धा में। तो फ्रेंड्स, यदि आपके बच्चे भी सब्जी खाने से एकदम मना कर देते हैं ना, तो फिर बस ये रेसिपी आपके लिए है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सूजी और ब्रेड का ये टेस्टी नाश्ता बस आप एक बार बच्चों को बना कर दीजिएगा, यकीन मानिए उनको बहुत पसंद आने वाला है ये नाश्ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेना है सबसे पहले एक बाउल, और उसमें हमने एक छोटा बाउल मैंने सूजी लिया है, और उसके बाद में उसमें मैंने 4 चम्मच दही डालना है। दही की जगह पे आप छाछ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच मैंने दही डाल के और अच्छे से सूजी और दही को मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हमें सूजी और दही को मिक्स कर लेना है, और जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालना है। पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि मतलब ये पतला घोल ना बनने पाए, इसका हमें एक गाढ़ा घोल ही बनाना है। तो बस इतना ही पानी हमें डालना है। तो यहाँ पर मैंने अंदाजन से अपने डाल दिया हुआ था, बाकी आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। तो यहाँ पर बस ऐसे करके और उसको खूब अच्छे से घुमा लेना है ताकि दही, पानी और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर ये बहुत अच्छे से एकदम मिक्स ये हो चुका है। इसमें सोडा वगैरह हमें कुछ नहीं डालना है, और अब इसको 5 मिनट के लिए हमें रेस्ट के लिए रख देना है। इसको साइड में रखने के बाद में बस बाकी जो सब्जियां पड़ेंगी उसकी हमें तैयारी कर लेनी है। यहाँ पर मैंने एक टमाटर मैंने लिया है छोटा, और एक छोटा प्याज मैंने लिया है, और एक शिमला मिर्च मैंने लिया है, धनिया की पत्ती है, और 2 हरा मिर्च मैंने लिया है। इन सबको बारीक बारीक बिल्कुल काट लेना है। उसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ 5 मिनट हो गया था, और अब यहाँ पर ये सूजी एकदम अच्छे से फूल चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से, जिस तरीके से हमें एक गाढ़ा घोल चाहिए था बस वैसे ही ये हो चुका है। तो अब यहाँ पर इसमें हम सारी सब्जियाँ मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो चॉप किए हुए जो प्याज हैं उसे मैंने डाल दिया है, और उसके बाद में मुझे डालना है इसमें टमाटर और शिमला मिर्च और हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालना है, और बाकी जो धनिया पत्ती है उन्हें डाल देना है। साथ में 1 चम्मच कसूरी मेथी फ्रेंड्स ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है। इसको थोड़ा सा हाथों से रगड़ के और इसमें डाल देना है। नमक अपने स्वाद के अनुसार रहेगा, और इसके बाद में बाकी इन सारी सब्जियों को मिला लेना है। इसके अलावा आप मटर वगैरह भी ले सकते हैं, और भी जो सब्जियां मतलब बच्चे थोड़ा पसंद करें तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में अब इन सबको हमें अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है, और अब हमें लेना है ब्रेड। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है, यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड जो भी हो वो आप ले सकते हैं। अब क्या करना है हमें, इस जो घोल ये है बस इसको एक इसका मिक्सर जो है, इस मिक्सर को पूरी तरीके से ब्रेड के ऊपर एकदम अच्छे से कवर एक साइड में कर लेना है। अच्छे से पूरी तरीके से चारों तरफ फैला लेना है। चारों तरफ इसको फैलाने के बाद में अब यहाँ पर चारों मैंने लगभग कंप्लीट हमारा हो गया है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने एक टुकड़ा मैंने मक्खन लिया है, और मक्खन को बस चारों तरफ इसको घुमा लेना है अच्छे से। और मक्खन में स्वाद अच्छा आता है, बाकी आप घी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चारों तरफ घुमाने के बाद में, और अब हमें ब्रेड लेना है, और जो सूजी वाला मिक्सर वाला भाग है बस उसी की तरफ ही पलटकर हमें रख देना होता है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा किनारे करने के बाद में यहाँ पर हम दो हमारे यहाँ पैन में इसमें आ जाएगा, तो बस हमने 2 ही डाला हुआ है। और जो डोसा तवा होता है उस पर तो लगभग 4 ही आ जाता है, तो यहाँ पर मैं ओनली मैंने पैन ही लिया हुआ है, और इसी तरीके से घुमाते हुए जाना है ताकि जो मक्खन लगा हुआ है वो उसमें मिल जाए और अच्छे से ये सिक जाए। तो यहाँ थोड़ा सा दबाते हुए इसको हम
सेकेंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको घुमाते भी जाएंगे। गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा स्लो ही रखना है, उसको तेज हमें नहीं रखना है वरना ये जल जाएगा। क्योंकि सब्जियां भी पड़ी हुई है ना, तो वो धीमी धीमी आंच पे अगर ये पकेगा तो सब्जियां भी पक जाएंगी और बहुत अच्छे से ये सिक भी जाएगा। फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी, ब्रेड के ऊपर भी मक्खन लगा दीजिएगा। मैंने लगाया हुआ था, एक कॉल आ गया था तो बस इसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर लगा लीजिएगा उसमें मक्खन, तो ये अच्छे से, बहुत अच्छे से ये जब मक्खन लग जाता है तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। और बच्चे के लिए बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा ये, मतलब मक्खन उनके लिए भी हेल्दी ही रहेगा। तो मक्खन का अगर आप और यूज करना चाहें तो मक्खन आप और यूज कर सकते हैं और बढ़िया से ये थोड़ा सा तल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस दबाते हुए इसको भी दूसरी तरफ भी लाल होने तक इसको सेंक लेना है और थोड़ा सा किनारे से करके आप देख सकते हैं कि मतलब ये सिक गया है कि नहीं सिक गया है। तो अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा किनारे से उठाकर देखेंगे कि सिक गया है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बहुत ही अच्छे से ये दूसरा साइड भी सिक गया है। इसको हमें थोड़ा सा हम पलट कर दूसरा साइड भी सेंक लेंगे क्योंकि ये अभी हमें थोड़ा सा लाल बहुत ज़्यादा नहीं सिका दिख रहा है। तो इसको हम दूसरा साइड भी इसको सेंक लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से रेड होने के बाद में अब इसे हम उतार लेंगे और सेम प्रक्रिया से बाकी जितने भी हैं उनको भी ऐसे ही सेंकना होता है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर बच्चों के लिए, के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा रखने में आसानी रहेगी। तो इसको बस बीच से हम कट कर देंगे और बच्चों को भी थोड़ा सा देखने में उन्हें अच्छा लगेगा ना, तो बहुत इंटरेस्ट के साथ में खाते भी हैं। तो अब यहाँ पर टोमेटो सॉस लिया है, ग्रीन चटनी मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में ये बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार होता है, बच्चों के लिए का तो फेवरेट ये बनने वाला है। तो जी, ब्रेड का ये टेस्टी नाश्ता की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।